गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल पढ़ रहे थे अपन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपन ने ग्रंथि पढ़ी थी कौन सी, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि का पहला चरण पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, और अपन ने पढ़े थे टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 8 हार्मोन का स्राव होता है। कितने का होता है, 8 हार्मोन का स्राव होता है। इसके बाद देखो अपन नेक्स्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि की, आगे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की से स्रावित हार्मोन, ठीक है। और स्रावित हार्मोन की बात करें, टोटल हार्मोन थे कुल कितने, 8। एक तो था देखो इसमें अग्रपाली, और अग्रपाली से टोटल कितने हार्मोन स्रावित हुए थे, अपन ने कल पढ़े थे टोटल कितने थे, 5 हार्मोन। कितने हार्मोन थे, 5 हार्मोन स्रावित होते हैं। दूसरी बात करें मध्यपाली, और ये मध्यपाली से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 1 हार्मोन स्रावित होता है। तीसरी अपन बात करें पश्चपाली, कौन सी पाली, पश्चपाली, और इससे टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। टोटल कितने हार्मोन हो गए, 8 हार्मोन। और ये इनका स्राव कौन करता है, अग्रपाली, मध्यमपाली और पश्चपाली। टोटल मिलकर ये कहने का मतलब ये है कि पीयूष ग्रंथि से टोटल 8 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक बात करें, इससे पहला हार्मोन अग्रपाली से था, पहला हार्मोन कौन सा था, GH हार्मोन, या अपन ने पढ़ा था SPH हार्मोन, ठीक है। या तो अपन इसको क्या बोलते हैं, वर्धी हार्मोन, वर्धी हार्मोन या सोमेटो ट्रॉपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन पढ़ा था, वर्धी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा पढ़ा था अपन ने TSH हार्मोन, कौन सा पढ़ा था, TSH हार्मोन, और इसको बोलते हैं थायराइड उत्तेजक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। इसके बाद बात करें, तीसरी बात करें, तीसरा हार्मोन था अपना ACTH हार्मोन, ठीक है। और ACTH हार्मोन होता है एडिनो कॉर्टिकॉइड हार्मोन। और चौथा हार्मोन कौन सा था अपना, यहाँ पे GTH हार्मोन, कौन सा हार्मोन था, GTH हार्मोन, या अपन इसको बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोल सकते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। पांचवा पढ़ा था अपन इसका पोलेक्टिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन पढ़ा था, पोलेक्टिन हार्मोन। इसके बाद मध्यपाली की बात की जाए, और मध्यपाली से बात करें तो मध्यपाली से एक हार्मोन होता है, वो होता है MSH हार्मोन, और MSH हार्मोन होता है मेलेनोसाइट हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, मेलेनोसाइट हार्मोन, ये लो। और इसके बाद पढ़ा था अपन ने पश्चपाली, और पश्चपाली से टोटल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन तो ये देखो, एक तो होता है ADH हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन, जिसको बोलते हैं अपन एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जबकि एक होता है आपका लास्ट ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या इस हार्मोन का दूसरा नाम बोले तो पिटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है।
अब अपन देखते हैं, देखो जीएच हार्मोन क्या कार्य करेगा, टीएसएच हार्मोन क्या कार्य करेगा, एसीटीएच हार्मोन क्या कार्य करता है, जीटीएच हार्मोन का क्या कार्य होता है, पोलेक्टिन का क्या कार्य होगा, एमएसएच एडीएच और ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य होता है। सबसे पहले बात करें जीएच हार्मोन, तो इस हार्मोन की देखो विशेषता क्या होती है, यह विशेषता देखो, यह हार्मोन मनुष्य के शरीर की, किसके, मनुष्य के शरीर की वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अब पूछे कि वृद्धि हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, वृद्धि हार्मोन का मुख्य कार्य होता है कि मनुष्य के शरीर की वृद्धि करना, विकास करना, या मनुष्य के शारीरिक विकास करना ही मुख्य कार्य होता है, वो हार्मोन कौन सा होता है, वृद्धि हार्मोन। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन ना पूछ के अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, अगर पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन की कमी होगी तो व्यक्ति व्यक्ति क्या रह जाता है, बौना रह जाता है, क्या हो जाता है, व्यक्ति बौना रह जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी स्थिति क्या करता है, देखो व्यक्ति क्या हो जाता है, नपुंसक, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बांझ हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर ओ डीपली जाए, एग्जामिनर ओ डीपली जाए तो पूछे कमी से कौन सा रोग हो, या कमी से कारण क्या है, कमी होता है व्यक्ति बौना हो जाता है, या नपुंसक होता है, या बांझ, इसके कारण देखो इसका एक रोग होता है, उसको बोलते हैं मिजेट्स रोग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिजेट्स। तो ध्यान रखना कि वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो रोग होता है आपका मिजेट्स रोग हो जाता है, कौन सा होता है, मिजेट्स रोग। अगर दूसरी बात की जाए, जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कौन सी हार्मोन की कमी होने से, वृद्धि हार्मोन की, और जनन क्षमता में कमी होगी तो इसको बोलते हैं एंटी लियोसिस रोग, कौन सा रोग होगा, एंटी लियोसिस रोग हो जाता है। ठीक है, अगर पूछे वृद्धि हार्मोन अधिक स्रावित हो जाए, अगर इसकी कमी न होके क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, वृद्धि हार्मोन क्या हो, अधिक स्रावित हो जाए, अधिक स्रावित होता है तो कंडीशन क्या होती है, देखो स्थिति क्या होगा, व्यक्ति लंबा, ठीक है, दानवाकार, या भीमकायता, या फिर एक्रोमंगोलिज्म, एक्रोमंगोलिज्म, व्यक्ति क्या होगा, सामान्य शरीर के बजाय व्यक्ति लंबा, दानवाकार, या भीमकायता, या इस रोग को वो रोग बोल सकते हो, वो कौन सा होता है, एक्रोमंगोलिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब बात करें दूसरा हार्मोन कौन सा हो अपना, टीएसएच हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, और टीएसएच हार्मोन या थायराइड उत्तेजक हार्मोन क्या होता है, देखो यह हार्मोन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, क्या होता है यह हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, जिनका मुख्य कार्य थायराइड ग्रंथि का, कौन सी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण, थायराइड ग्रंथि का क्या करेगा, नियंत्रण, प्लस साथ में इसका क्या करता है, समन्वय का कार्य करता है, या तो क्या करेगा, समन्वय करेगा, या क्या करता है, इसका नियंत्रण का कार्य करता है, कौन सा हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन। ठीक है,
ये हार्मोन को खास विशेषता नहीं दर्शाता, जबकि महान भूमिका जो निभाता है वो कौन सा होता है, GTH हार्मोन। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि GTH हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य कार्य देखो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए यह हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन मनुष्य के शरीर में, या अपन क्या बोले, पुरुष प्लस महिला, पुरुष प्लस महिला, ठीक है। पुरुष की बात की जाए तो में वर्षण, जबकि महिला की बात करें तो अंडाशय। दोनों के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है, किसको, टेस्टिस प्लस ओवरी। करें मतलब पुरुष में वर्षण के निर्माण में और महिला के अंडाशय के निर्माण में ये हार्मोन भाग लेता है। अब देखो यहाँ दूसरी विशेषता, दूसरी कंडीशन पूछे तो देखो दूसरी क्या करता है, जनन अंगों के विकास में सहायक होता है, या जनन अंगों को क्या करता है, परिपक्व करता है। किसको परिपक्व करता है, जनन अंगों को क्या करता है, परिपक्व करता है, कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यहाँ देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो यहाँ इम्पोर्टेंट बात और बताता है कि ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो देखो कौन सा होता है, FSH हार्मोन। दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका FSH हार्मोन, कौन सा होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको आपको बोलते हैं पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। दूसरी बात करें, इसी से दूसरा हार्मोन होता है आपका LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब पूछे ये FSH हार्मोन क्या कार्य करता है, कि मनुष्य के शरीर में FSH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो FSH हार्मोन की बात करें तो देखो, बात करें महिला में, महिला के अंडाशय से, किसे, महिला के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जबकि बात करें किसकी, पुरुष की, किसकी बात करें, पुरुष की बात करें तो इसमें शुक्रजन नलिकाएं, शुक्रजन नलिकाओं का क्या करता है, विकास प्लस शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है, शुक्राणु के निर्माण को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पूछे कि GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं, दो हार्मोन, एक FSH और एक LH। FSH हार्मोन का मुख्य कार्य होता है महिला के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्तेजित या बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है, या इसके स्राव में क्या होता है, ये सहायक होता है, जबकि पुरुषों के शुक्र नलिकाओं का विकास तथा शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है, भाग लेता है, ठीक है। अब बात करें देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो यह महिलाओं में, किसकी बात करें, महिलाओं में कौन से हार्मोन को स्रावित करेगा बताओ, महिलाओं में देखो कौन सा हार्मोन होता है, ये हार्मोन देखना, महिलाओं में आपका होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ध्यान रखना भाई कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है,
या महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित हो या कौन सा हार्मोन कार्य करता है, वो हार्मोन होता है लूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरोन लूटिनाइजिंग बोले तो ये कोशिकाएं होती हैं, लूटिनाइजिंग कोशिकाओं से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, तो ये लूटिनाइजिंग हार्मोन लूटिनाइजिंग कोशिकाओं के निर्माण करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि बात करें अपन किसके, पुरुष के। ठीक है, यहाँ आप इसको ये बोल सकते हो, ये अंतरालिका को अंतराली कोशिकाएं बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप, है अंतरालिका अंतराली कोशिका से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित हो। या फिर बात करें पुरुष की, बात करें तो पुरुष की बात की जाए कार्पस ल्यूटियम, किसकी बात करें कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। ये था आपका कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब बात करें पोलेक्टिन हार्मोन की, कौन सी हार्मोन की बात करें, पोलेक्टिन हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, और ये पोलेक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो पोलेक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य देखो, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान, किसके दौरान है, गर्भावस्था के दौरान स्तनों के विकास को प्रेरित करता है, स्तनों का विकास प्लस दुग्ध स्राव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, दुग्ध स्राव का कार्य करता है। पूछे पोलेक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान स्तनों के विकास को प्रेरित करता है तथा दुग्ध स्राव का कार्य भी करता है। इसलिए इस हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, पोलेक्टिन हार्मोन को अपन कहेंगे दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहते हैं, दुग्ध जनक हार्मोन कहा जाता है। ये था कौन सा हार्मोन, पोलेक्टिन हार्मोन। तो अगर पाले के पांच हार्मोन थे, एक जीएच एसटीएच जिसको वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, इसका मुख्य कार्य मनुष्य के शरीर की शारीरिक वर्दी प्लस विकास करना होता है। ठीक है, अगर वर्दी हार्मोन की कमी होगी तो व्यक्ति क्या होगा, बौना होगा। उसके साथ कुछ लक्षण प्रकट हो सकते हैं, या तो वो क्या होगा, नपुंसक हो या बांझ हो जा सकता है। और ये कंडीशन अगर लागू होती है तो वो रोग कौन सा कहलाता है, मिजेट्स रोग कहलाता है। कौन सा रोग कहलाता है, मिजेट्स रोग कहलाता है। दूसरी बात करें, अगर जनन क्षमता में कमी आ जाए तो वो रोग कौन सा होगा, जिसको बोलते हैं एंटीलियोसिस रोग कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं, एंटीलियोसिस रोग कहा जाता है। अगर बात करें अगर जीएच हार्मोन की अधिकता हो जाए या वर्दी हार्मोन अधिक स्रावित हो जाए मनुष्य के शरीर में, तो व्यक्ति क्या होगा, लंबा या दानवाकार या भीमकायता, मतलब शरीर क्या हो जाता है, सुडोल हो जाता है, बेडोल हो जाता है, दिखने में क्या लगता है, वो अजीब सा लगता है। तो उस रोग को अपन क्या कहते हैं, एक्रोमंगोलिज्म रोग कहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, नेक्स्ट बात करें कि ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन, दूसरा हार्मोन कौन सा था, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। और ये हार्मोन देखो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जिनका निर्माण ग्लूकोज तथा प्रोटीन के मिलने से होता है। किससे होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर सामान्य सूत्र आपको पूछ सकता है कि एग्जाम में पूछे कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो होगा C6H12O6। अगर यहाँ ग्लूकोज का सूत्र पूछे तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है, जबकि यह हार्मोन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो थायराइड ग्रंथि को नियंत्रण प्लस समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, तीसरी ACTH हार्मोन कोई खास योगदान नहीं दोहराता, जबकि बात करता है ये कौन सा, GTH हार्मोन की, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन पुरुष व महिलाओं में वर्षण
तथा महिला में अंडाशय के निर्माण में भाग लेता है तथा दोनों के जनन अंगों के विकास को दोनों के जनन अंग का विकास करने में भूमिका निभाता है। ठीक है, अब देखो ये वर्षण और अंडाशय, चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब ये GTH हार्मोन भी क्या होता है, दो प्रकार से डिवाइडेड हो जाता है, बंट जाता है, क्योंकि एक तो कौन सा होता है FSH हार्मोन, दूसरा होता है LH हार्मोन। FSH हार्मोन की बात करें, ये हार्मोन जिसको बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, क्या बोलते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन बोलते हैं। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन क्या करता है, महिला में अंडाशय से या अंडाशय महिला के अंडाशय का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद कौन से हार्मोन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा, FSH हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पुरुष में ये FSH हार्मोन शुक्र नलिकाओं का विकास कर शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है, भाग लेता है, क्या होता है, भाग लेता है। जबकि बात करें LH हार्मोन की, तो LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये पुरुषों में कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करता है, जबकि महिलाओं में अंतराली कोशिका से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को भी क्या करता है, स्रावित। जबकि पुरुषों में एक हार्मोन और होता है एंड्रोजन हार्मोन के अलावा, यहाँ पे एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी किसमें पाया जाता है, पुरुषों में। जबकि बात करें प्रोलैक्टिन हार्मोन, अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान उनके स्तनों का क्या करता है, विकास करता है तथा साथ साथ दुग्ध स्राव को भी क्या करता है, प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है, दुग्ध स्राव को। इसलिए इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है, क्या कहते हैं, दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दुग्धजनक हार्मोन किसे कहते हैं या दुग्धजनक हार्मोन कौन से हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने चार दे देगा कि GH हार्मोन को बोलते हैं, TSH को बोलते हैं, या GTH को बोलते हैं, या प्रोलैक्टिन को भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, प्रोलैक्टिन ना दे MSH, प्रोलैक्टिन दे दे MSH, दे ADH, दे ऑक्सीटोसिन, कोई भी एक चार ऑप्शन आपको देगा और उत्तर आपको करना होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही अपन क्या कहते हैं, दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। अब देखो बात करें मध्यपाली की, बात करें मध्यपाली में MSH हार्मोन की भूमिका देखें कि MSH हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है। तो देखो ये MSH हार्मोन क्या करता है कि रंगों के निर्माण में सहायक होता है। सहायक भी क्या होगा, देखो इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें एक वर्णक उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, एक वर्णक उपस्थित होता है, और वो वर्णक होता है कौन सा, मेलानिन वर्णक। और ये मेलानिन वर्णक पुरुष हो या महिला हो, दोनों के रंगों में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है, दोनों के रंगों में परिवर्तन। कहने का मतलब त्वचा का रंग हो या त्वचा के रंगों में रंग को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा हो या उत्तरदायी वर्णक कौन सा होता है, वो वर्णक होता है आपका कौन सा, मेलानिन वर्णक। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन कौन सी हार्मोन की, एंड ADH हार्मोन की। सिर्फ एक विशेषता, खास तौर पे सिर्फ रंगों के निर्माण में सहायक होता है, और रंगों के निर्माण में भाग कौन लेता है, ये मेलानिन वर्णक भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करें ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ देखो ये ADH हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें कार्य क्या होता है, इसमें वर्कक नलिकाएँ होती हैं, ये वर्कक नलिकाओं के माध्यम से कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वर्कक नलिकाओं के माध्यम से जल का अवशोषण करता है, जल का क्या करता है, अवशोषण करता है, कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को, किस हार्मोन को, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं, जल विरोधी हार्मोन, कौन सा हार्मोन कहते हैं, जल विरोधी हार्मोन भी कहा जाता है, किस हार्मोन को, ADH हार्मोन को।
लास्ट बच गया आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पिटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन हो गया? ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, देखो, महिलाओं के गर्भाशय काल का अंतिम समय के दौरान, कहने का मतलब गर्भावस्था के अंतिम समय में, अंतिम समय में जो भ्रूण होता है गर्भाशय की दीवार से कौन जुड़ा रहता है, दीवार से कौन होता है, भ्रूण जुड़ा रहता है। एम्ब्रियो की बात करें, किसकी बात करें, एम्ब्रियो की बात करें, तो ये भ्रूण जुड़ा रहता है गर्भाशय की दीवार से, और दीवार से जुड़ा रहता है वो झिल्ली कौन सी होती है, प्लेसेंटा। कौन सी झिल्ली होती है, ये प्लेसेंटा झिल्ली होती है, और ये प्लेसेंटा झिल्ली भ्रूण प्लस माँ के गर्भाशय की दीवार, कहने मतलब भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करती है, वो कौन सी झिल्ली होती है, प्लेसेंटा झिल्ली होती है, और इस प्लेसेंटा झिल्ली को तोड़ने का कार्य, कहने मतलब प्लेसेंटा झिल्ली को तोड़ने का कार्य, मतलब भ्रूण को माँ के गर्भाशय की दीवार से अलग करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भ्रूण माँ के गर्भाशय से जोड़ने वाली, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से जोड़ने वाली झिल्ली कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, प्लेसेंटा, ठीक है। या पूछ ले कि भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली या ऑक्सीजन प्रदान करने वाली या पोषक पदार्थ प्रदान करने वाली झिल्ली कौन सी होती है, वो झिल्ली होती है आपकी प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा, इसलिए इस हार्मोन को ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन चेंज कर सकता है, इसलिए इस हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है। ध्यान रखना, बस आप इतना ही ध्यान रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य या पिटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है, कि जो भ्रूण होता है जो माँ की गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है, उस प्ले जुड़ा होता है, वो झिल्ली होती है प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा झिल्ली को तोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहने का मतलब गर्भाशय की दीवार को भ्रूण से अलग, सॉरी, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से अलग करने वाला हार्मोन कौन सा होगा, ऑक्सीटोसिन। जब ये अलग करेगा तो इसलिए इस हार्मोन का नाम दूसरा क्या रख दिया गया, लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। यहाँ आके अपनी कौन सी ग्रंथि कंप्लीट होती है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। अगर दोबारा देखें एमएसएच हार्मोन की, देख लेना दोबारा, एमएसएच हार्मोन, मेलेनोसाइट हार्मोन, मुख्य कार्य क्या होगा, रंगों के निर्माण में सहायक होता है, और रंगों के निर्माण में भी सहायक एक वर्णक होता है, वो कौन सा होता है, मेलानिर्वर्णक, ठीक है, जिसके कारण रंगों में क्या होता रहता है, परिवर्तन रहता है, होता रहता है, ठीक है। जबकि एडीएच हार्मोन की बात करें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करें, तो ये वर्कक नलिकाओं से जल के अवशोषण में भाग लेता है या जल के अवशोषण करने के लिए भाग लेता है, और इसलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, जल विरोधी हार्मोन कहा जाता है या कहते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कहने का मतलब भ्रूण को माँ की दीवार, माँ के गर्भाशय की दीवार से अलग करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, या प्लेसेंटा झिल्ली को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को अपन क्या कहते हैं, लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। पहली ग्रंथि आपकी कंप्लीट होगी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि क्या समस्या है और उसके अंदर उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी होगी थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि की चर्चा करेंगे अपन जो नेक्स्ट ग्रंथि का पार्ट होगा उसके अंदर। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप वीडियो को शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।